हेलो एवरीवन, दिस इज हरदत सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजरली अबाउट केमिस्ट्री। सो टू बी ऑनेस्ट, क्लास 11th में साइंस लेने से पहले मैं केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा हूँ कि इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, क्योंकि देखो मेरे से फिजिक्स बन जाता था, मेरे से बायो ठीक ठाक था, उसके अलावा मेन जो दिक्कत आती थी मेरे को केमिस्ट्री में आती थी। कुछ टीचर से, कुछ काउंसलर से ये सब के बारे में बात किया हूँ कि क्या मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ बिना केमिस्ट्री पढ़े। केमिस्ट्री को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। जब मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि केमिस्ट्री को भी अच्छे से किया जा सकता है, केमिस्ट्री भी अगर मैं सही तरीके से पढ़ूं तो केमिस्ट्री को भी मैं सही तरीके से एस कर सकता हूं, तब मेरा माइंडसेट जब चेंज हो गया उसके बाद केमिस्ट्री मेरे को आसान लगने लगी और एट लास्ट नीट में मेरे जो स्कोर था 166 था आउट ऑफ 180। और ये चीज भी हुई कि नीट के 6-7 महीने पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट था जो मेरा फेवरेट हो चुका था। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द रिसोर्सेज टू बी फॉलोड फॉर केमिस्ट्री नीट, लाइक बुक्स टू बी फॉलोड और मेंटर्स टू बी फॉलोड। और इसके अलावा हम लोग सब्जेक्ट वाइज अप्रोच भी लेने वाले हैं कि फिजिकल में क्या से करना है आपको, ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना है, उसके अलावा एनसीईआरटी की तरफ आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, एनसीईआरटी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्टिंग विद बुक्स के लिए अगर आपको थ्योरी पोर्शन के लिए जाना है तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के थ्योरी पोर्शन के लिए मैं हमेशा प्रेफर किया हूँ एनसीईआरटी को ही। तो एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके अलावा जो फिजिकल वाला पार्ट है उसके लिए मैं लेक्चर नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करता था, पर उसके लिए एक अलग पैटर्न फॉलो करता था जिसमें फिजिकल में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है पर उसको एक अलग तरीके से पढ़ना है। उसके बारे में भी मैं जब सब्जेक्ट वाइज फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में बता रहा तो उसको भी कवर करूंगा। उसके अलावा अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो जनरली लोग जो प्रेफर करते हैं वो होती है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, तीनों सब्जेक्ट जो कवर कर लेती है फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इन केस आपके पास कोई और ऑथर की बुक है या आप कोई और बुक के पीछे जाना चाहते हो, फिजिकल के लिए आती है एन अवस्थी बालाजी पब्लिकेशन की, ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान वो भी बालाजी पब्लिकेशन की। इनऑर्गेनिक के लिए जनरली मैं ऐसी कोई बुक प्रेफर नहीं किया, उसके लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ही बेस्ट है, या तो फिर आप गूगल से कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए। जो इनऑर्गेनिक है उसमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। उसके अलावा अगर मेंटर्स की बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी कुछ मेंटर्स के बारे में बताया आपको जिनसे मैंने केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत हेल्प ली थी, पर एक मेजर हेल्प जो थी वो थी एक दूसरे चैनल से, जो इस चैनल का नाम है जीकेबी केमिस्ट्री, इस पे जोगेंद्र सर पढ़ाते हैं। जनरली केमिस्ट्री में मैं शुरुआत में जैसे आपको बताया कि बहुत ज्यादा इश्यूज फेस किया हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे कुछ कुछ लेक्चर्स देख रहा था, कुछ कुछ टीचर्स के बारे में पता चल रहा था, तो इनके बारे में मेरे को यूट्यूब के रिकमेंडेशन के थ्रू सामने आया। इनके वीडियो को मैं देखा कि तीन चीजें मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी। फर्स्ट, टू द पॉइंट बात करते हैं, मतलब टॉपिक से ज्यादा डेविएट नहीं होते जो कि जनरली यूट्यूब के कुछ टीचर्स हो ही जाते हैं। सेकंड, ये ऑन डिमांड मेरे लिए लेक्चर लेके आए थे, ये चीज के बारे में बता देता हूँ कि मेरे को एक टॉपिक था SN1 SN2 रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि कभी क्लियर ही नहीं हो पाया। सर की किसी यूट्यूब वीडियो में इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया था तो मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि मेरे को SN1 SN2 रिएक्शन समझना है, पर ये अनएक्सपेक्टेड था कि इन्होंने मेरे लिए मेरे डिमांड पे SN1 SN2 यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें उन्होंने पूरा अच्छे से उसके बारे में बताया, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। इसके अलावा थर्ड जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि सर ने क्योंकि अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया था तो मेरी इनसे फ़ोन में भी बात हुई, और क्योंकि मेरा केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक था तो मैं इनसे केमिस्ट्री के बारे में पूरा गाइडेंस ले पाया हूँ, मतलब फिजिकल के लिए ऑर्गेनिक के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। और इस इनको मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा, इनकी वजह से मेरा जो केमिस्ट्री में स्कोर बूस्ट हो पाया, इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है उसके पीछे। सो कमिंग टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज फॉर फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, स्टार्टिंग विद फिजिकल। फिजिकल में मैं बता दूं आपको मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं या तो फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंसेप्ट बेस्ड होते हैं 50%, और 50% एनसीईआरटी के कुछ कुछ लाइन से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है तो आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना होता है कि आपको लेक्चर्स को कैसे पढ़ना है, उसके बाद नोट्स को कैसे पढ़ना है, उस पैटर्न के बारे में बता दूंगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आपको अगर फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाते हैं तो फिर न्यूमेरिकल्स की तो कोई बात ही नहीं है, न्यूमेरिकल्स इसके थोड़े ईजियर साइड आते हैं, मतलब फिजिक्स जितने कठिन नहीं आते, जनरली फॉर्मूला पुटिंग या कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, तो ये सब के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए मैं बता दूं कि जो पर्टिकुलर पैटर्न होता है, सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद लेक्चर्स के जो भी नोट्स आप बना रहे हो उसको विदिन 24 आवर्स आपको रिवाइज करना है। विदिन 24 आवर्स रिवाइज करने के बाद जब आप नेक्स्ट लेक्चर देख रहे होगे वैसे करके आपको हर एक लेक्चर में सेम पैटर्न फॉलो करना है। उसके बाद जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से उन नोट्स को सेकेंड टाइम रिवाइज करना है। दो बार आप जब नोट्स को रिवाइज कर रहे होगे, दोनों बार आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके नोट्स में टीचर ने कराए हैं
सेम अप्रोच से आपको खुद से भी कर रहे हैं। जब आप लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे तो टीचर साथ ही साथ आपको कुछ कुछ क्वेश्चन भी कराता है, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है कि टीचर के अप्रोच को समझना है कि टीचर किस अप्रोच से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है। सेम अप्रोच को आपको भी लगाना है वही सेम क्वेश्चन को जब आप रिपीट कर रहे होगे, और जब आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो आपका जो रिटेंशन है, मतलब चीजों को याद करने की जो कैपेसिटी होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है कि ज्यादा लंबे टाइम तक आप याद कर पाओगे, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। उसके अलावा जब आप दो बार नोट्स को रिवाइज कर लिए, लेक्चर्स अटेंड कर लिए, उसके बाद आपको नए क्वेश्चंस पे जाने हैं, मतलब किसी बुक से सॉल्व कर सकते हो, अदर देन नोट्स जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना, आप किसी बुक को प्रेफर कर सकते हो, मॉड्यूल को प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा फिजिकल में अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो उसमें आपको क्या करना है कि जब आप लेक्चर्स अटेंड कर लो, नोट्स बना लो, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। और एनसीईआरटी के कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जिनसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, या कुछ कुछ नए फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, उसको आपको नोट्स में इंक्लूड करना है। उसके बाद बार बार एनसीईआरटी को फिजिकल केमिस्ट्री में रीड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सारे पॉइंट्स को नोट्स में इंक्लूड कर लेते हो तो। उसके बाद आपको सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है। आफ्टर दैट कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, एक नया टाइप का सब्जेक्ट होता है जिसमें मेनली रिएक्शंस होते हैं, रिएजेंट, ये सब सारी चीज़ें एकदम नई होती हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा शुरुआत में पेशेंस रखना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता दूँ, शुरुआत के एक से डेढ़ महीने मेरे से कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, पर एक बार जब आपका ऑर्गेनिक में फ्लो बन जाएगा, जब आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जो आपकी स्पीड होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी और ऑर्गेनिक आपको सॉल्व करने में भी मजा आने लगेगा। सेम मेरे साथ हुआ था, ऑर्गेनिक शुरुआत के एक डेढ़ महीने मेरे कुछ भी समझ नहीं आया, और उसके बाद जब मेरा फ्लो बन गया, जब मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद ऑर्गेनिक मेरी फेवरेट हो गई थी। ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए आपको बेसिक्स को क्लियर करना। बेसिक्स में आ जाते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन, इसके अलावा IUPAC। अगर आपकी ये चारों चीज़ें क्लियर हैं और जो नेम रिएक्शन वाला टॉपिक बोला वो सारे रिएक्शन आपको याद हैं विद नेम, विद रिएजेंट्स, ये सब चीज़ें अगर आपको याद है, तो सबसे पहला ऑब्स्टेकल तो आपका ऑर्गेनिक का कवर हो गया, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर है तो आपका ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मूथली कवर हो जाएगा। जब आप बेसिक्स को पूरा पढ़ लोगे, पूरा चैप्टर टीचर ने कंप्लीट करा, आपने पूरा लेक्चर देख लिया, पूरी चीज़ें समझ आ गई, आपने नोट्स को रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे जाना है, उसके पहले आपको क्वेश्चंस ना सॉल्व करो तो बेटर होगा। तो इसमें आपके अगर बेसिक्स क्लियर हो गए फिर आपके क्वेश्चंस उसके बाद बनेंगे, नए चैप्टर में जाओगे, जैसे कि अमाइंस हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सबके जो चैप्टर्स हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे वो बेसिक चैप्टर से ही रिलेटेड होंगे, तो आपको क्या करना है कि बेसिक चैप्टर से रिलेट करते हुए कॉन्सेप्ट्स को सारे अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जब आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हो बेसिक चैप्टर्स को समझते हुए, मतलब बेसिक चैप्टर्स को रिलेट करते हुए, तो इसको आप लॉन्गर टाइम तक रिटेन कर पाओगे। तो मैं जनरली क्या करता था, जब भी ऐसा लगता था कि ये वाला टॉपिक, जैसे अल्कोहल का ये वाला रिएक्शन, इसका जो मैकेनिज्म है वो रिएक्शन मैकेनिज्म के किसी एक कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो मैं सेम कंसेप्ट को वहां पर लिख देता था, मतलब रिविजन जो हो मेरा स्मूथ और फास्ट हो जाए। उसके बाद बात आ जाती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस की। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने बताया कि शुरुआत के कुछ टाइम तक मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, इसलिए जब मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, नए क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए पर चैप्टर में फिजिकल या इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करता था। फिजिकल में अराउंड 150 टू 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर करता था, तो ऑर्गेनिक में वही 250 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो ऑर्गेनिक में आपको लगेगा कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, पर एक बार आपका जब फ्लो बन जाएगा तो आपकी स्पीड ही इतनी अच्छी रहेगी कि आप क्वेश्चंस को अवॉइड ही नहीं कर पाओगे, आपको क्वेश्चंस और सॉल्व करने का मन करेगा। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी के लिए आपको क्या करना है, जब आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो साथ ही साथ या आप लेक्चर्स अटेंड करने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में जो कि नोट्स में इंक्लूडेड नहीं होंगे, उसके अलावा कुछ कुछ रिएक्शंस होंगे जो कि नोट्स में होंगे पर एनसीईआरटी में नहीं होंगे, तो वो चीज आपकी नीट में भी नहीं पूछी जाएगी, इसलिए आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा दिए होंगे जो कि नोट्स में इंक्लूडेड नहीं होंगे, उसको आपको उसमें नोट करना है और उसी को बार बार पढ़ना है। और इसमें भी एनसीईआरटी को अगर आप हाईलाइट कर लेते हो तो बेटर है, या तो फिर आप एनसीईआरटी के उन लाइंस को भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। मैं क्या प्रेफर किया हूँ कि एनसीईआरटी के कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि मेरे नोट्स में नहीं थे या जो मेरे को नए पता चले थे, उन सबको मैं एनसीईआरटी पर हाईलाइट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता था, अपने नोट्स से सारी रिएक्शन पढ़ लेता था, जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ लेता था, उसके बाद एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लेता था। कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं मेनली फोकस करता था एनसीईआरटी पे।
देखो अगर आप बेसिक चैप्टर्स की बात करोगे जैसे कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, उनके लिए आपको लेक्चर्स देखना मस्ट है क्योंकि वो जो है वो थोड़े से कंसेप्चुअल है और वो अगर क्लियर हो गए, बेसिक चैप्टर्स अगर क्लियर हो गए तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ खास ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसी में सारे ट्रेंड्स कवर हो जाते हैं, इसी में सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सारे थोड़े से कंसेप्चुअल है पर अगर ये चीजें अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा आसानी होने वाली ब्लॉक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। सो कमिंग टू ब्लॉक केमिस्ट्री में मैं मेनली शुरुआत से ही एनसीईआरटी प्रेफर करता था, लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं देखा था, मैं एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी को जब सेकंड टाइम रीड कर रहा हूँगा तब मैं एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करूंगा। एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि एनसीईआरटी के जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं उनके थ्रू आपको जितने भी ट्रेंड्स आप निकाल सकते हो उनको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। उसके अलावा कुछ कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे जिनसे अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं तो उनको आपको इंक्लूड करना है। जब आप ये दोनों चीजों को इंक्लूड कर दोगे तो आपका जो शॉर्ट नोट्स हैं वो सारे होलसम हो जाएंगे, मतलब सारी चीजें कवर हो गई क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में सिर्फ दो चीजें हैं, फर्स्ट फैक्ट्स, सेकंड ट्रेंड्स, और इन्हीं सबसे मेनली क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अगर आप बेसिक चैप्टर्स को क्लियर करने के बाद इनको पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा आसानी होने वाली है। उसके अलावा जो थर्ड चीज थी जो मैं इनऑर्गेनिक में फॉलो करता था वो मैं ट्रिक वीडियोस देखता था, जैसे कि मेरे को कुछ ट्रेंड्स नए लग रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन सामने आ रहे हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस एंड ट्रेंड्स। अगर आपको ये चीजें अच्छे से याद करनी है तो मैं उसके लिए ट्रिक्स अप्लाई करता था, मतलब यूट्यूब पे केवी एजुकेशन है या कुछ कुछ अदर यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जिसपे आपको सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने के, इसलिए मैं सारे ट्रिक्स को अप्लाई करता था और सारे निमोनिक्स को अप्लाई करते हुए मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट अप्रोच फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा जो मैंने आपको जीके भी केमिस्ट्री के बारे में बताया है उसका उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उनसे आप पर्सनली मेंटरशिप ले सकते हो, मेरे को वो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किए हैं, आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर लें।